जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, है ना? और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा, और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि सर स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहाँ खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों मैं यहाँ आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है। वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। बीजेपी धर्म को नहीं इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस करती है वो किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। बीजेपी नफरत का प्रयोग करती है, अलग बात है। बीजेपी हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी का अपमान करो, कहीं भी नहीं लिखा है। तो बीजेपी हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं कर रही है, बीजेपी नफरत का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां हम जाके भाईचारा फैलाते हैं, वो हमारा काम है। गारंटी ऑफ 5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, गारंटी ऑफ 200 यूनिट्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 200 यूनिट बिजली का फ्री, 5 लाख सरकारी रोजगार 5 साल में, 365 रुपए डेली वेज टी गार्डन वर्कर्स के लिए, और 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को, और फिर फाइनल गारंटी सीए। असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीए को रोक देंगे, बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीए को रोक देंगे।